आजकल बीजेपी के अंदर बात रही अनुशासन की हमेशा जी। शुरुआत हुई राविंदर जीत सिंह ने कहा कि मेरी बेटी को टिकट दो नहीं तो जी, मेरे को 60 टिकट दो नहीं तो जी, ये करो नहीं तो जी, वो करो नहीं तो जी। तो नहीं तो को तो मान लिया बीजेपी, खूब मान रही है बीजेपी आला कमान को कि मुझे टिकट दो दो, मांगी नहीं, जैसे हक जताया, हक जताया उन्होंने, मुझे टिकट दो नहीं तो मैं भी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ूंगा जी। नगेंद्र भड़ाना मुझे मिले जी, वो कहने लगे कि मैंने तो पार्टी आला कमान को संदेश दे दिया कि या तो मुझे इलेक्शन नहीं लड़वाएंगे नहीं तो मैं जी चला आजाद। टेकचंद शर्मा जी बीजेपी में है जी, नाम चला किसी और का जी, पंचायत की जनता जनार्दन का आदेश होगा तो चुनाव लड़ेंगे, ये भी धमकी सीधे विपुल गोयल की तरफ से बात आ रही है कि चुनाव तो लड़ना ही है जी, अगर टिकट नहीं देंगे तो भी लड़ना, इसका मतलब उनकी भी धमकी हुई जी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। सीजन चुनावी है तो बातें भी चुनावी हैं। जब चुनाव आता है तो उसके अंदर एक चीज़ और महत्वपूर्ण होती है, टिकटें, टिकटों का वितरण, पार्टियों, गठबंधन, ये सब तो होता ही है। एक जो चीज़ और महत्वपूर्ण होती है वो होती है नेताओं का आना जाना। कोई यहाँ से वहाँ जाता है, कोई वहाँ से यहाँ जाता है, यानी कि रीशिफलिंग इस कदर होती है ये पार्टियों के अंदर टिकट वितरण के समय कि कई बार तो एकाएक पार्टियों में बाढ़ आ जाती है लोगों की, जाने वाले और आने वालों की। राजनीति के अंदर कभी अनुशासन नाम की बड़ी एक चीज़ रही है, लेकिन अगर आज कहें वर्तमान के दौर में तो ये दीवार भी गिरी हुई है। तमाम नेता, चाहे वो कांग्रेस के हैं चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, अपने आला कमान को धमकी दे रहे हैं कि अगर मुझे टिकट नहीं दिया तो मैं चला, अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं चला। और कुछ इसी विषय पर हम मौजूद हैं और मेरे साथ हैं देवेंद्र सुरजेवाला जी। जी सुरजेवाला जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। आजकल बहुत चल रहा आना जाना जी, आना जाना तो ठीक है, धमकियां बहुत चल रही हैं। बिल्कुल। मैं भी एक पोर्टल पे पढ़ रहा था कि राव नरवीर सिंह भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिले जी, उससे पहले वो लगातार धमकी दे रहे हैं कि होटल से लेके अटेली तक एक भी नहीं जीतेगा अगर मुझे टिकट नहीं दी। बिल्कुल। क्या हो रहा है ये सब राजनीति में? बिल्कुल सही कहा आपने, उन्होंने ये कहा बीजेपी आला कमान को कि मुझे टिकट दो दो, मांगी नहीं, जैसे हक जताया, हक जताया उन्होंने, मुझे टिकट दो नहीं तो मैं भी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ूंगा। तो आप इस बात का क्या अंदाजा लगाएंगे, मैं लड़ूंगा? तो मैं तो ये समझता हूँ कि वो कहते हैं ना कि जहाँ उन्होंने गलत बात है, गलत परंपरा है, गलत ये तरीका है, ये दोगलापन, ये मैं उधर चला जाऊँगा उधर चला जाऊँगा, धमकी है। और ऐसी धमकी को भी अगर पार्टी बर्दाश्त करती है या मानती है या डरती है तो पार्टी का भी कमजोरी, अगर उसी आदमी को फिर टिकट दे दे इस धमकी के बिना पे, तो ये तो कोई फिर अच्छा शुभ लक्षण तो नहीं है। पहले बात बीजेपी की करते हैं सारी जी, फिर कांग्रेस पे आएंगे जी। नेताओं की फेर हिस्से लंबी एक एक करके आपसे बात करेंगे। राव नरवीर की बात हमने की जी, उससे पहले राव इंदरजीत सिंह लगातार सामने नहीं, इसमें मैं एक और बात कहूं जी, बताएं जी। अब आपने कहा कि वो हुड्डा साहब से भी मिले, अगर बीजेपी को धमकी दे के और कांग्रेस में जाते हैं और कांग्रेस उनको टिकट देती है तो मैं ये कहूँगा बीजेपी से भी कांग्रेस की गिरावट ज़्यादा है, बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस की गिरावट हो गई, ज़्यादा गिरावट है कांग्रेस के लिए, धिक्कार है अगर ऐसे आदमी को भी टिकट देती है। मतलब जो धमकी दे के आ रहे हैं कहीं पर, उनको धमकी दे के आ रहे हैं, आप उस धमकी का ये प्रभाव मानते हैं और आप भी उसको टिकट दे रहे हैं ऐसे को। हाँ, जहाँ तक कांग्रेस की एक साख बनी है, अभी देवेंद्र बबली जो कि पहले आजाद चुनाव लड़ते रहे, फिर जेजेपी की चुनाव पे चिन्ह पे उन्होंने 2019 का चुनाव लड़ा और वो एमएलए बने और फिर बाद में मंत्री भी रहे और छोड़ गए जेजेपी, फिर जो है ना लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया, खुलकर साथ दिया और इस बिना पे दिया कि मुझे टिकट मिलेगी, ये उनको बड़ी आशावान थे वो और इसी उसके तहत वो टिकट मांगते रहे। जो एक पीछे एक बयान आया दीपक बावरिया जी का, वो बहुत अच्छा था, उससे पार्टी की साख बढ़ी। उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास आए थे, हमने ये कहा कि आप तो अब हमारे कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्य भी नहीं है, आपको टिकट हम नहीं दे सकते,
तो ये एक मैं समझूंगा एक राजनीति के अंदर एक शुद्धिकरण या एक अच्छा कदम था जो एक उसको हम कह सकते हैं। और अगर नरवीर राव नरवीर को ये धमकी के बाद कांग्रेस अगर टिकट देती है तो मैं तो कहता हूँ वो जो साख बनी है वो बिल्कुल तहस नहस हो जाएगी कांग्रेस की। सुरजेवाला जी जी, राजनीति के अंदर जी एक पुरानी कहावत है, बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। जी पॉलिटिक्स के अंदर सबसे मेन है कि ये केन प्रकरण सत्ता में आ जाए। देखिए मैं आपको दोनों बातें जोड़ दूं फिर आप जवाब पूरा करना उसमें। जी राव नरवीर के मामले की अगर बात आती है बीजेपी में से कांग्रेस में जाने की, जी तो कांग्रेस के पास बादशाहपुर में कोई ऐसा चेहरा नहीं है कि जिसको कह सके कि ये विनिंग कैंडिडेट है। जी इधर अगर आपने बात की देवेंद्र बबली की, जी अगर देवेंद्र बबली के पास आती है तो टोहाना में बीजेपी के पास चेहरा नहीं है जो चुनाव जीत सके। जी सुभाष बराला 50,000 के आसपास वोटों से हार गए थे, रब्बी हिम्मत नहीं है उनके चुनाव लड़ने कर पा रहे। वो तो राज्यसभा के सदस्य बन गए, फिर भी अगर पीछा छोड़ा गए। हाँ हाँ वो तो पीछा छोड़ा गए। तो वही नहीं कह सकते कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी भैया आओ तो ले लेंगे। वो तो मोहनलाल बड़ोली जी भी वही कह रहे हैं। और वही बात कमोबेश हमारे संजय भाटिया जी ने भी कही। मगर विपल देव जी ने ये कहा कि देखिए हमारे आदमी कितने त्याग कर रहे हैं, क्या इसको त्याग कहेंगे? भागने को तो त्याग तो नहीं कहा जा सकता। तो ये तो अपना अपना नजरिया है। जी जी अगले नेताओं की बातें अब शुरू करते हैं। जी खासकर बीजेपी के अंदर बात रही अनुशासन की हमेशा। जी शुरुआत हुई रविंद्रजीत सिंह ने कहा कि मेरी बेटी को टिकट दो नहीं तो, जी मेरे को 60 टिकट दो नहीं तो, जी ये करो नहीं तो, जी वो करो नहीं तो, जी तो नहीं तो को तो मान लिया बीजेपी, खूब मान रही है। देखिए जब कमजोरी आती है तो मान जाते हैं। अब यही राव इंद्रजीत ने पिछली बार भी कहा था अपनी बेटी के लिए टिकट मांगा। तो बीजेपी ने अब तो सीधे कह दिया कि आजाद चुनाव लड़ेगी या कांग्रेस से लड़वा दूंगा, यहाँ तक की बातें हुई। बयान तो उनके नहीं थे इतने कड़े, पर आरती के बयान जरूर होते थे इस टाइप के। नहीं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ लेंगे भाई, नहीं भावना तो उनकी यही थी अंदर की। अब ये जो चीज़ है कि वो 19 में पार्टी में इतनी कमजोरी नहीं थी तो उनकी बात नहीं मानी। और इसी तरह कृष्ण पाल जी का है, वो भी अपने बेटे। चलो कृष्ण पाल ने सीधे ये नहीं कहा कि नहीं तो वाली बात तो आई, लेकिन अपनी तरफ से पूरे हाथ पैर भी कर रहे हैं, हाथ पांव पूरे हाथ पर पूरे मार रहे हैं, पूरे पटके। मैं तो धमकी वाली बातों पे आ रहा हूँ। हाँ जैसे राव नरवीर ने कहा कि नहीं तो मैं जा रहा हूँ। जी इंद्रजीत ने कहा नहीं तो मैं चला। जी अब अगला नाम ले लें। जी विपुल गोयल। हाँ विपुल गोयल की तरफ से बात आ रही है कि चुनाव तो लड़ना ही है। जी अगर टिकट नहीं देंगे तो भी लड़ना, इसका मतलब उनकी भी धमकी हुई। जी टेकचंद शर्मा जी बीजेपी में है। जी नाम चला किसी और का। जी पंचायत की जनता जनार्दन का आदेश होगा तो चुनाव लड़ेंगे, ये भी धमकी सीधे या कुछ और? बिल्कुल है, लेकिन जहाँ तक सवाल है ये कुछ नेता है जिनको अपना लगता है कि जनता में उनका कुछ आधार है और उस के बिना पे वो चुनाव के अंदर अपनी ताल ठोकने का हिम्मत रखते हैं। अगर वो समझते हैं कि पार्टी का टिकट मिल जाए तो मेरे को कामयाबी मिल जाएगी। टेकचंद का आधार है, लेकिन दूसरी तरफ टेकचंद ने पार्टी का साथ तो दिया, विधायक तो बीएसपी से बने, एक दिन भी बीएसपी पार्टी की मीटिंग में नहीं गए, बीएसपी पार्टी की विचारधारा को या उस पार्टी का कोई प्रचार प्रसार इन्होंने एक दिन भी नहीं किया और ये चिपक गए जा करके बीजेपी के साथ। ऐसे नगेंद्र भडाना वो इनेलो से बने थे और समर्थन और सारा अपना बीजेपी को सरकार को दिया। अब बीजेपी ने इनको कभी अपना नहीं माना टेकचंद को, और टिकट का जहाँ तक सवाल है लोकसभा के चुनाव में यही टेकचंद जिन्होंने जो यहाँ के हमारे लोकसभा के उम्मीदवार थे पार्टी के कृष्णपाल जी, उनका खुल्लम खुल्ला सरेआम उनको जनसभा में भला बुरा भी कहा। नहीं फिर साथ आ गए। हाँ साथ आ गए, वो कह रहे हो कि आना जाना वही साथ चल छोड़ना साथ लेना, यही तो हो रहा है जो आप कह रहे हो, तो उसी को वो सार्थक कर रहे हैं। अच्छा ज्यादातर नेता वो हैं ये जी कि जिनको 2019 में तो टिकट नहीं मिला था। जी या वो चुनाव नजदीकी मुकाबले में हार गए थे, उन्होंने कहा कि खुद हरवा दिया हमें। जी नगेंद्र भड़ाना की हम आपने बात की। जी नगेंद्र भड़ाना मुझे मिले। जी वो कहने लगे कि मैंने तो पार्टी अलग कमान को संदेश दे दिया कि या तो मुझे इलेक्शन नहीं लड़वाएंगे नहीं तो मैं जी चला आजाद। जी
नहीं, ये पहले भी होता रहा है, हर पार्टियों में होता है ये, ठीक है, कोई बीजेपी में कोई ये बीमारी ज़्यादा तो नहीं है, ये तो हमारा जो चरित्र है हमारे लोगों का, जो नेताओं का, वो दिन पर दिन गिरता जा रहा है। इसमें मुझे पिछले चुनाव में एक भी नेता दिखाई नहीं दिया। पार्टी कमजोर होती है वहाँ, हाँ। वो उनकी चल जाती है, जहाँ पार्टी मजबूत हो, ये जब पार्टी मजबूत हो, हाँ, वह नहीं चल पाती, वह नहीं चल पाती। ये तो तब होता है जब पार्टी में कमजोरी आ जाती है, तो तब ये ऐसा होता है ज़्यादा। तो ये बात तो ही बीजेपी की जी। अब बात आ गई कांग्रेस की जी। दो सूरमा हैं, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला जी, दोनों जो चाह रहे हैं इंटरनल में चुनाव लड़वा दें विधायक का जरूर जी, वहाँ भी चल रही है सब कुछ। ये वहाँ ये जरूर है कि जो आलाकमान कह देगा वो ठीक है, लेकिन जब बावरिया कहते हैं जी कि किसी सांसद को चुनाव नहीं लड़वाया जाएगा, तो कुमारी सैलजा लाल पीली होती हैं खूब, वो भी उनको आंखें दिखाती हैं कि भैया ऐसे कैसे बोल दिया जी। तो वो भी प्रेशर पॉलिटिक्स वहाँ भी है। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, लेकिन उसी के बयान के आधार पर बावरिया साहब फिर कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि भाई मुख्यमंत्री तो कोई भी बन सकता है। और रही बात, जैसे आपने कहा, रणदीप खुद चुनाव लड़ने के इतने ज़्यादा इच्छुक नहीं है, वो राज्यसभा के सदस्य हैं तो। और शैलजा जी भी जो मैसेज छोड़ा जा रहा है उनकी तरफ से, मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ, वो यही है कि वो अपनी दावेदारी जताते हैं। ये कोई ज़रूरी थोड़ी ही है कि सांसद मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, ले जाने कितने बनते रहे, बनते रहे और बनते रहेंगे, हर पार्टी बनते रहे, बनते रहेंगे। हमारे नायब साहब हैं, ये भी सांसद ही मुख्यमंत्री बने। मुझे अगर पुराना जमाने की बात याद करो आप, किसी वक्त सांसद की तो कोई अहमियत ही नहीं थी, कहीं भी नहीं थी। उनको एक रेल की टिकट कहा करते थे कि भाई एक रेल की, गैस का सिलेंडर, रेल की टिकट। वो गैस का तो बहुत बाद में आई है, ये तो गैस तो आई है 70 के बाद। मैं बात कर रहा हूँ 52 से लेकर टेलीफोन का कनेक्शन, ये तो बाद की बात है, ये बाद में भी, ये तो 70-71 में आई है। उसके बाद, उससे पहले तो रेल की टिकट माना करते थे, और कहीं कोई आदमी सांसद से तो सरपंच गांव का बनना ज़्यादा पसंद करता था। लेकिन अब चूंकि दो हरियाणा में 2005 के बाद सांसद का जो एक अहमियत काफ़ी बढ़ी है, और उनके पूछ हुई है स्टेट लीडरशिप के चुनाव में, तो अब हो रहा है ज़रा अब सांसद की, तो ऐसा कोई नहीं है कि भाई सांसद को मौका नहीं मिलेगा या, और ये तो हाईकमान के ऊपर और हालात के मुताबिक जो भी होगा फैसला होगा। ये प्रेशर पॉलिटिक्स कहाँ तक सार्थक है, कहाँ तक होनी चाहिए? देखिए क्या ये राजनीति का एक दूषित पार्ट नहीं है? बिल्कुल है, और एक अच्छी तो नहीं है, लेकिन राजनीति, जैसे आपने कहा कि सब कुछ लोग कहते हैं शाम दाम दंड भेद सब, और ये भी कहते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, वॉर एंड पॉलिटिक्स। मैं थोड़ा सा इससे, इस विचार से अलग बात करता हूँ कि दूषित होना या गंदगी का नाम राजनीति हमने रख दिया, और कोई भी बात हो, आम जनता भी ये कहती है बाबूजी यही तो राजनीति, राजनीति है, राजनीति का ये मतलब नहीं है। राजनीति नीति से राज हो, नीति तो है ही नहीं, ये तो अनीति है, अनीति है। हाँ, तो ये दो नहीं तो मैं चला। हाँ, नहीं, ये जो राजनीति का जो एक हम गलत से विश्लेषण कर बैठे कि राजनीति इसी का नाम है, तो वो ये नहीं है। स्वच्छ राजनीति भी हो सकती है, बिल्कुल, इस देश में लोगों ने स्वच्छ राजनीति भी की है, और उनका जो मान सम्मान है वो निसंदेह बहुत ऊंचा रहा है, बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी का, वो भी राजनीति में ही थे, लेकिन आज भी उनकी जो मान सम्मान है, कोई उनको कोई कभी कम नहीं होगा, कोई कम नहीं होगा। ये बात अलग है कि जो हमारे पुराने नेता है वो सभी इस दर्जे के थे, जिनको पूरा मान सम्मान मिला है, लोगों ने दिया है, और आज भी, अभी अब्दुल कलाम आज़ाद हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं, तो पूरा राष्ट्र उनको नमन करता है और उनका मान सम्मान है, मतलब जो संस्कारों की मुद्दों की उनकी लड़ाई लड़ी, उनकी राजनीति की। अगर हम बात करें कि भाई अगर राष्ट्रपति के पद पर बैठकर हम बात करें कुछ पार्टीबाजी की या, तो वो फिर अपना मान सम्मान खो ही बैठता, ठीक बात है, बिल्कुल खो बैठता है, कोई भी हो, तो ये तो चलता है। अब
जी टिकटों का बंटवारे का टाइम बिल्कुल नज़दीक है, बिल्कुल आखिरी वो 11th अवर मुझे लगता है। हाँ 11th अवर है। हाँ कभी भी बीजेपी कांग्रेस की लिस्ट आ सकती है, कभी भी घोषणा। हाँ 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 क्या ये पार्टियां भी इन्हीं नेताओं से डर रही हैं कि भाई कहीं इनका हम टिकटें घोषित करें भागे ना, इसलिए नहीं तोड़िए क्या? ये भी एक कारण है, होता है, ये है कि भाई अगर देखिए अब 2,500 से ऊपर जो लोगों की चाहना है कांग्रेस के टिकट के, हाँ। किसी क्षेत्र में 45 है, किसी में 48 है, भाजपा के लिए हमारे अभी 2,800-2,700 लोगों ने टिकट के चाहने वाले लोग हैं, आवेदन करने वाले लोग हैं। नहीं अगर चलो तो कम वो अनाउंस करते ज़्यादा कांग्रेस की तरफ है लोगों का, जो आंकड़े आ रहे हैं वो अनाउंस कर दें बता दें तो ठीक है, हमें उस पर कोई वो कह रहे थे नायब सैनी कह रहे थे कि हमारे यहाँ भी 2,700-2,800 लोगों ने टिकट के लिए मांग रखी हुई है, फिगर दे ना वो अभी इन्होंने तो फिगर इन्होंने तो फॉर्म भरवाए थे कांग्रेस वालों ने तो। हाँ ये बीजेपी में आवेदन तो मांगे नहीं गए, तो फिर कैसे आप उसको बताएं? यहाँ तो जैसे टिकट एक इलाके में 8 लोग टिकट मांग रहे हैं, 10 लोग टिकट मांग रहे हैं, तो उन सबके नाम जुड़ जाएंगे। वहाँ तो 45-48 भी है। हाँ मतलब मैं वही कह रहा हूँ, ये भी कह रहे हैं कि हमारे नहीं कह रहे कि बीजेपी के टिकट नहीं चाहते, बिल्कुल चाह रहे हैं लोग, और दो ही पार्टी है जिसके लिए लोग ललायत है, कांग्रेस की टिकट भी और लोग ये भी है कि कांग्रेस की मिल जाए तो बेटर है, बीजेपी की मिल जाए तो बेटर ठीक है। एक बार चौधरी वीरेंद्र सिंह ने एक बात कही थी और बड़ी पते की बात कही थी, उनका तजुर्बा है, बड़े खाटी नेता है और वो बेबाक भी है, बिल्कुल बिल्कुल कोई दो राय नहीं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हमारा जमाना था जब कांग्रेस की टिकट के लिए मारामारी होती थी, उसके बाद अगर कोई जिसको टिकट नहीं मिलती थी वो कोशिश करता था कि लोकदल की टिकट हथिया लो और उसके बाद फिर अगर वो भी नहीं मिलती थी तो बीएसपी की टिकट की तरफ चला जाता था, इससे ज़्यादा नहीं था। बीजेपी की टिकट का तो कोई उस टाइम नाम नहीं होता था ही नहीं कहीं, आज से 2 दशक पहले बात नहीं थी हरियाणा। अब कहने लगे कि अब ये अब कहते पहले बीजेपी की मिल जाए। हाँ 2014-19 में बीजेपी, लेकिन आज हरियाणा में ये हो रहा है कि ज़्यादातर लोगों के जो है कि भी कांग्रेस की टिकट को भी प्रेफर कर रहे हैं। मैं एक तरफा बात नहीं करूँगा, अगर कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी की टिकट की भी बड़ी चाहना है, पूरी डिमांड है, पूरी चाहना है और दोनों की तरफ है बिल्कुल, क्योंकि फाइट दोनों में रहेगी। उसके बाद दुकानें बहुत सारी खुल गई हैं, दुकानें खुलती हैं हमेशा ही, लेकिन चलती तो वही है ना शहर में, जिसमें सौदा होता है। हाँ जिसमें सौदा हो, जिसका जिस दुकान में सौदा हो, हाँ और दिखाने के लिए सामान हो पूरा, या उसका जो प्रोडक्ट है या हाँ हाँ बिल्कुल उसके ऊपर हो। अब शहर में आपने देखा होगा कि गोहाना में जलेबियाँ तो बहुत बनाते हैं, लेकिन माथुराम की जलेबी मशहूर है बिल्कुल, तो वो ही बात है जलेबी। हांसी में पेड़ा तो बहुत लोगों का है, लेकिन हरी सिंह का जो पेड़ा का नाम चलता है, हाँ। तो वो बात तो है ही। किसी दिन ये माथुराम की जलेबी और हरी सिंह का पेड़ा और जो कुछ इन पर बात भी करेंगे जी, कहाँ का क्या क्या फेमस है जी। अभी तो चुनाव है, राजनीति चुनाव की है सारी, तो वही बात कर रहे हैं। आखिरी सवाल जी, रंजीत सिंह चौटाला क्या बीजेपी छोड़ेंगे? देखिए आज उनका बयान यही आ रहा है कि उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने खुद ही कहा छोड़ूंगा, चलिए आपने कहा नहीं छोड़ेंगे। नहीं उनका एक बयान मैंने देखा था और सुना भी था कि उन्होंने उनकी चाहना थी कि मैं चुनाव लड़ूं रानिया से, वहाँ उनके सामने एक समस्या जरूर आई कि वहाँ हलोपा जिसका एक समझौता बीजेपी से हो चुका, गोपालकांडा, हाँ गोपालकांडा की पार्टी है, तो उनके छोटे भाई हैं गोविंद कांडा जिनको बीजेपी में शामिल हो गए थे वो, और इलाहाबाद से बाई इलेक्शन भी उन्होंने बीजेपी की टिकट पे ही चुनाव लड़ा था, हलोपा से नहीं लड़ा था, और वो अब भी ये कहते हैं मैं बीजेपी का सदस्य हूँ और बीजेपी चाहे तो मुझे जहाँ से भी हो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा और मेरे को लड़वाएगी। नहीं धवल कांडा गोपाल कांडा का बेटा है ना शायद, जो रानिया से लड़ रहा है। हाँ उनका भतीजा, लेकिन अनाउंसमेंट तो गोविंद कांडा कर रहे हैं ना, हाँ। जो बीजेपी में है, बीजेपी का अंदर होते हुए गोविंद कांडा अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हलोपा से, हाँ भाई हलोपा पार्टी का या तो कोई पदाधिकारी करे, और हलोपा का कैंडिडेट की अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, चलिए बड़ा विचित्र है। और फिर उस पार्टी का समझौता है, टिकटों की कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई, टिकटों का बंटवारा नहीं, सीटों की सॉरी सीटों का नहीं हुआ, कोई बंटवारा नहीं हुआ, तो उससे आहत हुए चौधरी रणजीत सिंह, उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने भी अपने पैंतरा दिखाया और बीजेपी को सावधान किया, और फिर एक चर्चा चली कि शायद वो बीजेपी को छोड़ कांग्रेस में शायद जा सकते हैं, काफ़ी चर्चा रही है।
लोगों ने ये भी कहा उनके जो है भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ उनकी बहुत पुरानी दोस्ती है, उसके चलते शायद वो भी कांग्रेस में जा भी सकते हैं, लेकिन आज उनका बयान आया कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे मान सम्मान यही। चलिए, आपको भी लगता है कि नहीं छोड़ेंगे जी? राव नरबीर सिंह टिकट मिली बीजेपी की या टिकट नहीं मिली तो रहेंगे या छोड़ेंगे? मुझे लगता है वो अलग चुनाव लड़ेंगे, इसका अलग नहीं रहेंगे, वो इंडिपेंडेंट भी लड़ सकते हैं। चौधरी हर्ष कुमार जी कांग्रेस में गए हुए हैं जी, टिकट मिलेगी कांग्रेस की तो, अगर नहीं मिलेगी कांग्रेस टिकट तो रहेंगे या छोड़ेंगे? वो भी ये कहते हैं मैं चुनाव लड़ूंगा जरूर, मतलब वो भी छोड़ सकते हैं। हाँ, अगले नेता आ गए रघुवीर सिंह तेवतिया जी, बहुत पंचायतें कर रहे हैं, कांग्रेस में हल्ला मचा हुआ है, जो दो बार हार गए टिकट को खतरा है। अगर रघुवीर सिंह तेवतिया को टिकट कांग्रेस का बाय द वे नहीं मिला जी, तो क्या रहेंगे या छोड़ेंगे? रघुवीर तेवतिया के बारे में जहाँ तक है मुझे, मैं तो इस बात को समझता हूँ कि शायद उनका टिकट उनको मिलने जा रहा है जी, पहली बात तो, और दूसरा नहीं लगता कि वो पार्टी छोड़ के चुनाव लड़ दें, ऐसी कोई उनकी तरफ से कभी कोई इशारा या कोई ऐसा बयानबाजी नहीं आई। टेकचंद शर्मा, बीजेपी का टिकट मिलेंगे नहीं मिलेगा तो रहेंगे या छोड़ेंगे? वो चुनाव लड़ने का उनका पूरा मूड है, अगर टिकट नहीं मिला तो उन्होंने तो एक बार नहीं अपने मंच से कई बार इस बात की घोषणा की, मैंने चुनाव तो लड़ना है। ठीक है, विपुल गोयल को अगर बीजेपी का टिकट नहीं मिला तो क्या पार्टी में रहेंगे या छोड़ेंगे? विपुल गोयल को शायद पार्टी का टिकट मिलने जा रहा है, पहली बात तो यही है उम्मीद जैसा सुन रहे जी, और पीछे तो इन्होंने हिम्मत नहीं जताई थी तो अब जुटा लेंगे, अभी वो पार्टी छोड़ दें, इस बार हो सकता है वो कुछ उनमें हौसला जाग जाए, मतलब अगर नहीं मिली तो नहीं मिली सकते। वैसे आप कह रहे हो कि मिल सकती है उन्हें? हाँ, उनकी उम्मीद है। आपने रघुवीर सिंह का भी कहा उनको मिलने की उम्मीद है, मिल उम्मीद सकती है, जैसा कि नगेंद्र भड़ाना एनआईटी से जी, टिकट नहीं मिला अगर बीजेपी का तो रहेंगे या छोड़ेंगे? वो चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ सकते, जैसा उनकी बयानबाजी या उनकी बातें हैं उनसे अंदाजा ही लगा जा सकता है, बाकी तो ये खुद जाने। सबसे बड़ा नाम राव इंदरजीत सिंह का जी, अगर उनकी बेटी को टिकट नहीं मिला तो बीजेपी का साथ देंगे या मट्ठा देंगे जड़ों में? देखिए, पहले तो इस बार अभी आपने ही कहा, जहाँ कमजोरी आ जाती है तो पार्टी को वो बात माननी पड़ती है नेताओं की, तो उम्मीद की जा रही है इस बार लोगों में कि उनकी बेटी को टिकट मिल रहा है, और इस बार बात आ जाती है घूम के वही संस्कारी, कभी जब जनसंघ थी तो बीजेपी को, जनसंघ पार्टी को एक संस्कारी पार्टी, स्वदेशी पार्टी और हिंदी प्रेमी, ये सब बातें मानी जाती थी कि भी स्वदेशी वो हो, यहाँ तक कि कोका कोला इसका भी बायकॉट, आपका टूथपेस्ट कोलगेट वगैरह इसका भी बहिष्कार, ये सारी बातें बीजेपी और संघ में सिखाई जाती थी, और भाषा का भी हिंदी का ज़्यादा प्रयोग हो, और जहाँ तक संस्कारों की बात थी, धीरे धीरे घटते घटते अडवाणी जी और अटल जी के ज़माने में भी चलता रहा, आज जो है वो सतर तो नहीं रहा, स्पष्ट शब्दों में मैं कहूँ। अब जहाँ आपने कहा कि भाई ये धमकी दे रहे हैं यार वो छोड़ दें, तो आज पार्टी की भी वो बात है कि जो पीछे तक था 2019 में 14 में साफ स्पष्ट शब्दों में कहा गया था इंद्रजीत को भी कि हम पुत्र तंत्र जो है, परिवारवाद जो है, खासकर पुत्र तंत्र, उसको बढ़ावा बिल्कुल नहीं देंगे, और टिकट अब चौधरी वीरेंद्र सिंह को इसी बिना पे इस्तीफा देना पड़ा कि उनके बेटे को उन्होंने कहा टिकट दे दी थी तो उनको जाना पड़ा। चौधरी वीरेंद्र सिंह का बेटा सांसद और पत्नी को टिकट विधानसभा का दिया तो सही, वो हार गई अलग बात है, उजाना का टिकट दिया विधानसभा उस वक्त दिया, लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात कर रहा हूँ मैं खुद की कि उनका 2 साल वो हार गई। चौधरी वीरेंद्र सिंह तो राज्यसभा के 2 साल तक और सदस्य रह सकते थे ना, लेकिन उनको इस्तीफा दिलाना पड़ा, नहीं नहीं आपका बेटा को हमने दे दिया है तो आप पहले इस्तीफा दीजिए। तो मतलब आपको लगता है कि अब की बार पहले से ही वो थी, अब की बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ये संकट है जी कि उनके अगर नेताओं की धमकी है तो कहीं ना कहीं शांत होना पड़ रहा है। हाँ, ये तो हमेशा ही रहा है, कुछ दल बदल तो हमेशा इस बात पे रहे हैं और लोग जाते रहे हैं और कभी और कामयाबी भी मिली है जी। अभी ये बीजेपी में आप राव इंद्रजीत ही छोड़ के गए थे, वो खुद ही धमकी दे के गए थे और वो सांसद बनते रहे लगातार 3 बार से
केंद्र में मंत्री हैं जी जी, धर्मवीर जी हैं वो तीसरी बार सांसद हैं, वो भी कांग्रेस छोड़ के गए थे। रमेश कौशिक थे वो भी सांसद भी कांग्रेस छोड़ के गए थे। नहीं जाने कितने हैं ऐसे लोग हैं, ये तो समय के साथ साथ और हालात के मुताबिक फैसला होता है, बात का नतीजा पे आती है। तो ये है देवेंद्र सुरजेवाला जिन्होंने बताया कि ये चुनावी राजनीति है और चुनावी राजनीति के अंदर आना जाना चलता है। पार्टी छोड़ने की धमकी देना या पार्टी संगठन पर प्रेशर बनाना ये भी पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। चुनावी रंग है, जल्दी टिकट वितरण हो जाएगा और उसके बाद वो दौर चलेगा आने जाने वाला। हम आपको बताएंगे कि कौन कहाँ से आ रहा है और कौन कहाँ जा रहा है। बस आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद जी।